तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। और सभी जानते हैं कि अगर मोदी सरकार 2014 से जो निजीकरण कर रहा है, निजीकरण का फायदा सिर्फ एक ही कंपनी को पहुंचा है और वो है अडानी एंटरप्राइज। हवाई अड्डों का निजीकरण, बंदरगाहों का निजीकरण, कैसे अलग अलग कंपनियों को खरीदा जाता है, ये सब इसकी जानकारी सब निकल रही है। और ये असंभव होता, ये बात कोई नहीं मान सकता कि प्रधानमंत्री को इसकी जानकारी नहीं थी, पूरी जानकारी थी। मैंने पहले कहा है और आज भी दोहराऊंगा, कांग्रेस पार्टी उदारीकरण के पक्ष में है। 1991 में उदारीकरण डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब वित्त मंत्री थे लाए थे। हम उद्यमशीलता के पक्ष में हैं, पर हम मित्रवाद, पूंजीवाद के खिलाफ हैं। उदारीकरण हम चाहते हैं, निजी कंपनियों को प्रोत्साहन देने की जरूरत है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहन देने की जरूरत है, पर ये मित्रवादी पूंजीवाद या याराना पूंजीवाद के खिलाफ कांग्रेस पार्टी है। तो अगर प्रधानमंत्री सोच रहे हैं या गृह मंत्री सोच रहे हैं कि ईडी के छापे से, हमारे प्रवक्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से हमारी आवाज बंद होगी, हम अडानी के घोटाले के बारे में सवाल और नहीं उठाएंगे, वो गलतफहमी में है। सवाल आते रहेंगे, सोमवार को हम फिर शुरू करेंगे, अगले 3-4 दिन हम व्यस्त हैं इस महाअधिवेशन में, पर इससे प्रधानमंत्री बच नहीं सकते।